नरेंद्र गिरी ने किया सुसाइड या हुई हत्या। प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका शव फांसी के फंदे पर लटकता हुआ पाया गया। सूचना पर मौके पर एसएसपी समेत कई थानों की पुलिस फोर्स मौजूद है। पुलिस को पास से 5 पन्ने का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें नरेंद्र गिरी ने अपने शिष्य को दोषी ठहराया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और उनके अनुयायियों को इस अपार दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करे। कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से उनकी मुलाकात हुई थी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि नरेंद्र गिरी जी साहस की प्रतिमूर्ति थे और वह आत्महत्या कर ही नहीं सकते। इसके अलावा प्रयागराज और देश भर के साधु संत नरेंद्र गिरी की मौत के उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग कर रहे हैं। प्रतापगढ़ के पूर्व सांसद रामविलास वेदांती, चक्रपाणी महाराज आदि तमाम संतों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इसी बीच फॉरेंसिक टीम भी मठ पर पहुंच गई है। अब देखना यह है कि 5 पन्ने के सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी ने क्या लिखा है और कहीं उनका इशारा उन्हीं के शिष्य आनंद गिरी के ऊपर तो नहीं है। हालांकि नरेंद्र गिरी प्रयागराज के ही नहीं पूरे देश भर के चर्चित चेहरे थे और वह राजनीतिक, सांस्कृतिक और हर एक स्तर से मजबूत व्यक्तित्व थे। प्रमोद कृष्णन व देवकी नंदन ठाकुर ने भी सवाल उठाए हैं और आत्महत्या की बात को नकारा है और कहा है कि वह आत्महत्या कर ही नहीं सकते, इसलिए मामला संवेदनशील होता चला जा रहा है। इसी बीच पता चल रहा है कि नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में अपने वसीयत के बारे में भी काफी कुछ लिखा है। आईजी प्रयागराज के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि वह अपने शिष्य से काफी परेशान थे। अब वह शिष्य कहीं आनंद गिरी तो नहीं थे, यह जांच का विषय है, क्योंकि पिछले दिनों आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी शिष्य और गुरु के बीच काफी मामला गर्म हो गया था। बाद में उनके शिष्य आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी के साथ एक फोटो खिंचाई थी और माफी भी मांगी थी। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए प्रयागराज से अमन यादव की खास रिपोर्ट। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड कर लिया है और मैं अभी बागदुदरी मठ में हूँ। आप देख सकते हैं बागदुदरी मठ भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस फोर्स लगाई गई है। यहाँ पे इलाहाबाद आईजी केपी सिंह और एसएसपी सर्वेश त्रिपाठी भी मौजूद है। मैं आपको बता दूँ, महंत नरेंद्र गिरी महाराज ने अपने सुसाइड करने से पहले 12 पेज का सुसाइड नोट 12 पेज का सुसाइड नोट लिख कर सुसाइड किया हुआ है और जिसमें उन्होंने अंगूठा से 3 नाम दिखाई दे रहे हैं। स्वामी आनंद गिरी, जिनसे कुछ दिन पहले मतभेद हुए थे, और श्री बड़े हनुमान मंदिर के जो प्रमुख पुजारी रहे हैं अजय त्रिपाठी, उनका भी नाम आ रहा है और अजय त्रिपाठी के पुत्र संदीप तिवारी का भी नाम आ रहा है। क्या कुछ है और मैं आपको बताऊंगा। और आप देख सकते हैं और भारी फोर्स यहाँ पर लगाई गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज समय समय पे सनातन के लिए, संतों के लिए और राजनीतिक में रहे हैं, क्योंकि राजनीति में भी अपनी पकड़ बनाए रहे थे और उसको ध्यान में रखा जाए तो नरेंद्र गिरी जी महाराज एक प्रयागराज की विशेष हस्ती संतों में थे। उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ एवं आप भारत के जितने भी राजनीतिक हस्तियां हैं, तमाम हस्तियां उनसे हमेशा मुलाकात करते रहते थे। पिछले 1 हफ्ते में उनसे मिजोरम के राज्यपाल कल केशव प्रसाद मौर्य बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन किए और जो भी प्रयाग आते थे या भी जो भी राजनीति में अपना वर्चस्व बनाना चाहते थे वह मठ बागंबरे करते और श्री बड़े हनुमान जी के साथ नरेंद्र गिरी महाराज का शरण जरूर लेते थे। किंतु आज की घटना है, यह चिंताजनक है। इस घटना को देखकर ऐसा लगता है और जिनसे मैंने बात या सब हद तक हैं कि नरेंद्र गिरी जी महाराज इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हैं। किंतु बड़ी बात यह है कि अभी फॉरेंसिक जांच की टीम यहाँ पे है, जांच का विषय है। जैसा कि स्वामी आनंद गिरी को हिरासत में ले लिया गया है, अजय तिवारी को भी हिरासत में ले लिया गया है, शीघ्र ही संदीप तिवारी को भी हिरासत में लिया जा सकता है और जांच का विषय है। जांच होने के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा। शिवम नंदन त्रिपाठी की खास रिपोर्ट प्रयाग एक्सप्रेस के लिए, अमन तिवारी के साथ। आपकी खबर हमारी नहीं।
जी किस तरह के संकेत साइट का प्रथम दृश्य किस तरह के लग रहा है? अभी कुछ कहना मुश्किल दे रहे हो करो भैया लो मैं करी 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 रस्सियों की जांच कर रही है सब उतारा गया था सब सब जो उतारा गया तो किस तरह से वो सब था नहीं नहीं क्या क्या ये क्या है ये क्या है लाइव कर दो ठीक है अभी सब फोटो वगैरह सब ये भैया जी तुम होगा आगे आगे की जांच के हिसाब से बताएंगे जिस तरह से फोरेंसिक टीम यहां पर है फोरेंसिक टीम ने अपनी जांच दबाव है पुलिस के ऊपर इस पूरे मामले में जो साजिश हुई हमारे साथ आईजी साहब हैं और आईजी साहब केपी सिंह यहां पर मौजूद हैं क्या कहेंगे इसके बारे में कि जो यहां के आईजी हैं वो क्या नया अपडेट देते हैं और क्या बताते हैं क्या जानकारी देना चाहते हैं।